यहाँ पुनः स्थितम अस्ति पद्यानुवाद हितोपदेश मित्र लाभ तथा मुखम पद्यानुवाद हितोपदेश मित्र लाभ तथा मुखम सुपुत्र और कुपुत्र की चर्चा हितोपदेश का नारायण पंडित ने की है। इस बात की चर्चा की जा रही है कि पुत्र गुणी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। वस्तुतः पुत्र कुल का दीपक होता है और यदि वह गुण से युक्त होता है उसके माता पिता की समाज में प्रशंसा होती है और आगे की जिंदगी भी अच्छी होती है। से संदर्भित दो पद्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है, पद्य संख्या 17 और 18। वर्णेको गुणीपुत्रो नचमुख सपान्यति एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति नच तारागणो अपि च। इस पद का भाग है
कि एक ही पुत्र गुणवान अच्छा है, सौ मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। आकाश में अनेक तारे रहते हैं किंतु रात्रि में जो अंधकार होता है उस अंधकार को नाश अर्थात समाप्त उसको दूर करने का काम एक ही चंद्रमा करता है। यहाँ एक गुणवान पुत्र एक चंद्रमा और अनेक मूर्ख पुत्र और सैकड़ों मूर्ख पुत्र अनेक तारों के समान है। इस संदर्भ में है एको अति गुण पुत्रों वर मूर्ख सतान अति नैव वर तथा ही एक चंद्र तम हंति न च तारा वर्ण च वरम एको वरम एको वरम यहाँ हो गया है वरम का अर्थ है भूमि का गुणवान गुणयुक्त मूर्ख सतानी मूर्ख सतानी सौ की एक चंद्र एक चंद्रमा तम अंधकार हंति नाश करता है भूमि का नाच तारा गर्म पूजन तारा गर्म का जो समूह है उस समूह से है। अर्थ है वर्णेको गुणि पुत्र नचन सहानुति एकस्तम अमोहंति नच तारा गुणो सौ मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक गुणयुक्त पुत्र श्रेष्ठ है अच्छा है। एक चंद्र स्तंभ हंति माता तारा गणोति अनेक तारा गणों से अंधकार दूर नहीं होता है परंतु चंद्रमा अकेला ही उस अंधकार को दूर कर देता है। पर इस श्लोक से इस पद से यह शिक्षा मिलती है कि पुत्र एक ही हो और वह भूमि हो और वह चंद्रमा के समान हो वह तारा समूह के समान हो। है पुण्य तीर्थे पितंग
पुण्य तीर्थे कृतं येन तपः पाप्यति दुष्करं तस्य पुत्रो भवेद् वस्यः संविधो धार्मिकः सुधीः। क्वापि अति दुष्करम् भवेत् वस्यः अर्थात् तपः तपस्या तपस्या क्वापि क्वापि किसी कहीं भी अति दुष्करम् अत्यंत कठिन तस्य पुत्र भवेत् वस्य वस्य हमारे बस में होना अर्थात आज्ञाकारी होना सुविधो का धनी धार्मिक का अर्थ हो गया यहाँ वह धर्मात्मा सुधि का अर्थ हो गया विद्वान। येन क्वापि पुण्य तीर्थे अति दुष्करम तपः तस्य पुत्रो भवेद् वस्यः संविधो धार्मिकः सुधीः। कह रहा है कि जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में कठिन तपस्या की है उसी का पुत्र आज्ञाकारी धनी धर्मात्मा और विद्वान होता है। इस प्रकार इसका यह भाव है कि पिता को भी पुण्य कर्म करना चाहिए। पिता के पुण्य का प्रभाव संतान पर पड़ता है। समाज में इस तरह की बात भी चलती है पिता सुकर्मी पुत्र कल्याण तो यह पद यह शिक्षा दे रहा है कि पुत्र सुपुत्र होना चाहिए गुणयुक्त होना चाहिए धार्मिक होना चाहिए विद्वान होना चाहिए तो इसके लिए पिता को भी पूर्व में इन गुणों से युक्त होना चाहिए और यह पद अनुकरणीय है अनुसरणीय है समाज के लिए आचरणीय है।